अस्सलाम वालेकुम क्लासेस, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 5, द डे ऑफ कॉन्क्वेस्ट। सो लेट्स रीड एंड लेट्स हैव अ लुक व्हाट हैपेंड विद अली नेक्स्ट। यस, आई वाज ऑलरेडी पैनिक्ड एंड गेटिंग नर्वस। जैसे तैसे करके वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल की तरफ भागा। और देन ही सेज I was already panicked and getting nervous। पहले से ही मैं क्या हो रहा था, पैनिक हो रहा था और नर्वस हो रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग हो रही थी कि मैं लेट हो चुका हूँ और मैं टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच सकूँगा। माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट, मेरा दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो चुका था। ठीक है, आई रैन एज फास्ट एज लाइटिंग टूवर्ड स्कूल। मैं इतनी तेज़ी से भागा स्कूल की तरफ जैसे कि बिजली दौड़ती है। बट इफ़ आई कुड रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम, क्या होगा? इफ़ कुडंट, बट इफ़ आई कुड नॉट या कुडंट रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम, क्या होगा अगर मैं टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल में या कमरे में ध्यान में ना पहुँच सका। दिस थाट मेड मी श्योर, ये ख्याल मुझे डरा रहा था, इससे मैं कांप रहा था, खौफ ज़्यादा हो रहा था कि मैं अगर स्कूल टाइम पर ना पहुँच सका तो क्या होगा। श्योर का मतलब पता है, कब कभी तारी हो जाना, कांपना शुरू हो जाना, डर की वजह से या सर्दी की वजह से या फिर किसी एक्साइटमेंट की वजह से। आई थॉट इट कुड बी अ बैड हेयर डे फॉर मी। मैं सोच रहा था कि ये मेरे लिए बैड हेयर डे, मतलब कि ऐसा दिन जिसमें हर वक्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपका सामना करी हो, सब कुछ गलत हो रहा हो, एवरी थिंग गोइंग टू सीम रॉन्ग साइड पे। समझो कि आप ऐसे फील कर रहे हो कि जो आपने बाल ही अपने सेट किए हुए, सुधारे नहीं हुए, अब हर चीज़ आपकी गलत हो रही है। ये बैड हेयर डे का मतलब ये हो गया कि हर चीज़ गलत वे पे जा रही है। ठीक है, रीडिंग के दौरान क्वेश्चन पूछा गया है, टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड शिवर। आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शिवर। शिवर मीन शेक, ट्रेम्बल और वाइब्रेट विद कोल्ड और फियर, डर या खौफ के साथ कांपना या कपकपी तारी हो जाना या थरथराहट महसूस करना। ठीक है, अच्छा जी, बैड हेयर डे का मतलब आपको बता दिया, जब हर चीज़ गलत होती चली जा रही है उसको हम बैड हेयर डे कहेंगे। ठीक है, I wanted to reach school as soon as possible. As I was near school, I noticed an old man lying on the road. अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, मैं इतनी तेज़ चल रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँच जाऊँ, कि मैं जब जो ही मैं स्कूल के करीब पहुँचा, as I was near school, जैसे ही मैं स्कूल के करीब पहुँचा, I noticed an old man lying on the road. मैंने मुझे लगा मुझे मैंने तवज्जो दी इस बात पर कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो रोड के ऊपर या सड़क के ऊपर लेटा हुआ है। आई वॉज़ गेटिंग लेट, मैं बहुत मुझे बहुत देर हो रही थी, बट आई हैड टू हेल्प हिम फर्स्ट, लेकिन मुझे उसकी पहले मदद करना थी। आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा, ही वॉज़ अनकॉन्शियस, वो बेहोश था, अनकॉन्शियस में नहीं बेहोश। आई फेल सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बहुत मतलब बुरा लगा, मैंने उसके लिए बहुत सॉरी महसूस किया, अफसोस महसूस किया। आई मूव्ड हिज हैंड पोलाइटली, मैंने उसका हाथ नरमी से पोलाइटली मैंने नरमी के साथ उसका मैंने उसको हाथ को हरकत दी। आई टुक आउट माई वाटर बॉटल एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन हिज फेस, मैंने अपनी पानी की बोतल निकाली और उसमें से कुछ पानी उसके मुंह पर छिड़का। द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज, बूढ़े आदमी ने अपनी आँखें खोल दी। देन आई गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, तब मैंने उसको पानी पीने के लिए दिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? इन द मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल इसी दौरान, अ मैन हु वॉज पासिंग बाई नोटिस अस, एक आदमी जो गुजर रहा था सड़क पर से उसने हम दोनों को नोटिस किया या हमारी तरफ तवज्जो दी। आई टोल्ड हिम द होल मैटर, मैंने उसको तमाम मामला बताया, वाक्य के बारे में बताया कि क्या हो रहा है। ही कॉल्ड द एम्बुलेंस, उसने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस हम उस गाड़ी को कहते हैं जो हॉस्पिटल में मरीजों को पहुँचाने का काम करती है, हॉस्पिटल से घरों तक पहुँचाने का काम की, जो पेशेंट्स होते हैं उनको और एमरजेंसी कंडीशन में वो लोग फौरी हेल्प देते हैं। एंड गेव द ओल्ड मैन फर्स्ट एड, और उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया तो उन्होंने एम्बुलेंस में जो फर्स्ट एड का अमला होता है मतलब इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए, उन्होंने उस आदमी को इब्तदाई तिबी इमदाद पहुँचाई। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही वक्तों में द ओल्ड मैन गॉट बैक इन टू हिज सेंसेस, जो बूढ़ा आदमी था वो दोबारा अपने हवासों में वापस आ गया, मतलब होश उसको आ गया, वो नॉर्मल हो गया। द ओल्ड मैन स्माइल्ड अ लिटिल एंड पैटेड माई चीक, जो बूढ़ा आदमी जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने मेरे चेहरे, मेरी रुखसार, चीक कहते हैं रुखसार को या गाल को, उसके ऊपर उसने थपकाया, मतलब मेरी गाल पर थपकी दी, मेरे गाल को थपथपाया। ठीक हो गया।
आई रेन टूवर्ड्स माई स्कूल, मैं अपने स्कूल की तरफ दौड़ा. आई इट वॉज 9 AM, 9 बज चुके, 9:10 AM सॉरी, इट वॉज 9:10 AM, 9:10 हो चुके थे. व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल का टाइम था 9 बजे का, ठीक है ना, पेपर स्टार्ट होने का, लेकिन वो 9:10 बजे तक, एक तो वो लेट उठा था, ऊपर से रास्ते में बूढ़ा आदमी मिल गया, उसकी मदद करने लग गया, इस तरह करते करते उसका टाइम जो है वो स्कूल पहुंचा, हॉल पहुंचने तक उसके टाइम पर 9:10. आई वॉज स्केयर्ड द टीचर वुड नॉट अलाउ मी, मैं डर रहा था, स्केयर मैंने डरना था, और मैं डर रहा था कि मैं उस्ताद जो टीचर जो है मुझे इजाज़त नहीं देंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की, टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, द हॉल में जाने की, कमरा इम्तिहान जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी. आई रेन टू द एग्जामिनेशन हॉल, में कमरा इम्तिहान की तरफ भागा. आई गैदर्ड माई करेज एंड एंटर द हॉल, मैंने अपनी हिम्मत जमा की, गैदर मैंने जमा की, करेज मैंने हिम्मत जरूरत मैंने जमा की, एंड एंटर द हॉल, और बड़े कमरे के अंदर या हॉल के अंदर दाखिल हो गया. माई टीचर लुक्ड एट मी विद कंसर्न, मेरी उस्ताद ने मेरी तरफ बहुत तशवीश के साथ देखा, बिकॉज आई वॉज ब्रीथिंग हैवीली एंड माई होल बॉडी वॉज स्वेटिंग प्रोफाउज़ली, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था, ब्रीथिंग हैवीली, तेज़ी से सांस ले रहा था, जैसे सांस चढ़ी होती है ना, भाग भाग के आते हैं ऐसे करके, वो सांस ले रहा था, एंड बॉडी वॉज स्वेटिंग प्रोफाउज़ली, और बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसीना जो है वो बेइंतहा या कसरत से पसीना आया हुआ था. शी मेड मी सिट एंड हैंडेड ओवर द क्वेश्चन शीट टू मी, अच्छा टीचर ने मुझे बैठने के लिए कहा और मुझे क्वेश्चन पेपर जो है वो दे दिया ताकि मैं उसके काम कर सकूं. द मोमेंट आई हैड हेल्ड द पेपर, वो लम्हा जब मैंने हाथ में पर्चा पकड़ा, अ पैनिक वेव स्प्रेड थ्रू माई बॉडी, एक खौफ की लहर, पैनिक वेव, खौफ की लहर मेरी पूरे जिस्म में दौड़ गई, ठीक है. जस्ट देन माई मदर्स एडवाइस इकोड इन माई ईयर्स, उसी वक्त मेरे कान में मेरी माँ की आवाज़ की इको या गूंज उभरी, सदा आई, अली वन एवर यू फील स्केयर्ड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड प्रे टू अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग एंड हेल्प, यू विल फील बेटर. उसकी माँ ने उसको क्या कहा था, अली जब भी तुम्हें कभी डर महसूस हो, फील करो कि तुम्हें डर लग रहा है, एक लंबा सांस खींचो और अल्लाह से दुआ करो ताकि तुम अच्छा महसूस कर सको, तो तुम इस तरह अच्छा महसूस करोगे. आई डिड द सेम एज माई मदर टोल्ड मी, मैंने वैसा ही किया जैसे मेरी मुझे माँ ने कहा था, एंड टू माई सरप्राइज, और मेरी हैरत की इंतहा न रही, आई रियली फील बेटर, मैं वाकई बहुत अच्छा महसूस कर रहा था. आई फिनिश्ड माई एग्ज़ाम ऑन टाइम, मैंने अपना इम्तहान वक्त पर ख़त्म कर लिया. लेटर माई टीचर आस्क्ड मी द रीज़न फॉर गेटिंग लेट, बाद में मेरी टीचर ने मुझसे पूछा देर से आने की वजह, बाद में मेरी टीचर ने मेरे से पूछा वजह के लेट आने की, तो आई टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, मैंने उसे तमाम वाक्य सुनाया. शी स्माइल्ड एंड प्रेज मी फॉर रेस्क्यूइंग एन ओल्ड मैन, उन्होंने वो मुस्कराई और मेरी तारीफ की एक बूढ़े आदमी की मदद करने की के लिए. व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, आई टोल्ड एवरीथिंग टू मदर, मैंने तमाम बातें अपनी माँ को बताई. शी आल्सो लॉडेड मी माई जेस्टर, उसने मेरे इस हरकत की बहुत तारीफ की. लॉडेड मैंने तारीफ करना, जेस्टर ऐसा जिस्म का आप वो बनाएं, हरकत करें जो कि आपकी काम की तारीफ की जाना. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द डे वॉज दैट आई फाइनली मैनेज टू ओवरकम माई फियर, इस दिन की सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि आखिरकार मैंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया था. आई स्टिल फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस अचीवमेंट, आई स्टिल फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस अचीवमेंट, आई स्टिल फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस अचीवमेंट, मैं अभी तक उस अपनी कामयाबी के ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करता हूँ. आई रियलाइज दैट डे इफ वी आर आई रियलाइज दैट डे, उस दिन मुझे महसूस हुआ that if we are determined to achieve something, अगर हम किसी चीज़ का फैसला कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो हैं एंड वर्क हार्ड फॉर इट, उसके लिए बहुत सख्त मेहनत करें, वी श्योरली गॉट आवर डिज़ायर्स, हम अपनी जो है ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, फुलफिल ख्वाहिश अपनी पूरी कर सकते हैं. आई स्टिल चेरिश माई मेमोरी ऑफ दैट डे, और मैं अभी तक उस दिन की याद को बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ, जो बहुत पसंद है कि मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ कि मैंने उस दिन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली. तो स्टूडेंट ये हमारी होगी रीडिंग कंप्लीट, ट्रांसलेशन कंप्लीट, वर्ड्स मैंने भी आपको सारे लिखवा दिए हैं, बोल दिए हैं, आप उनको याद करिए और इसका क्रिएटिव वर्क भी कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट. आज के लिए इतने काफ़ी, इंशाल्लाह कि हम बन पड़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.